हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं SOL के जो ऑफलाइन एग्ज़ाम होने जा रहे हैं फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर के लिए, उसके लिए जो आपका एडमिट कार्ड है वो कब रिलीज़ किया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। तो भाई, जैसा कि आप जानते हैं, जो आपके एग्ज़ाम होने जा रहे हैं ऑफलाइन एग्ज़ाम, वो स्टार्ट होने जा रहे हैं 11 मई से सिक्स सेमेस्टर वालों के साथ। ठीक है, सिक्स सेमेस्टर का जो है फर्स्ट एग्ज़ाम पड़ेगा आपको 11 मई का। ऑनर्स कोर्सेज़ का, जो प्रोग्राम कोर्सेज के एग्ज़ाम है वो तो खैर जून में होंगे, तो जो ऑनर्स कोर्सेज़ का है उसके हिसाब से उनके जो एडमिट कार्ड हैं वो आ जाने चाहिए। अब 2 मई आज हो चुकी है, ज़्यादा से ज़्यादा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का देखा जाता है कि लगभग हफ्ते भर पहले जो आपका एडमिट कार्ड है वो रिलीज़ कर दिया जाता है आपके एग्ज़ाम से पहले, यानी कि आपकी आज या फिर कल या फिर आपका परसों 4 तारीख के अंदर अंदर जो आपका एडमिट कार्ड है ज़्यादा से ज़्यादा जो रिलीज़ कर दिया जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की वेबसाइट पे। और आप लोगों को वो कहाँ से डाउनलोड करना होगा, आप अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड पे आएंगे SOL वाले, ठीक है, जो भी हमारे SOL के स्टूडेंट्स हैं अपना लॉगिन कर लेंगे लॉगिन आईडी पासवर्ड के थ्रू। लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरह की विंडो शो होती है, ऊपर आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स, फिर आपको नीचे क्लोज का ऑप्शन मिल जाता है और नीचे यहीं आपको आपके जो है 4 तारीख तक आपको आपके एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। 11 मई से सिक्स सेमेस्टर के और 14 मई से फोर्थ सेमेस्टर वालों के जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट है। ठीक है, तो ऑनर्स कोर्सेज़ का एडमिट कार्ड ऑब्वियस सी बात है वो पहले आएगा और जो प्रोग्राम कोर्सेज़ का एडमिट कार्ड है वो भी बाद में ही आएगा। ठीक है, एडमिट कार्ड में आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट देखने को मिलने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट तो वही रहेगा जो है आपका एग्जामिनेशन सेंटर। आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो आपके नियर बाई पड़ता है या फिर कहाँ पड़ता है वो आप लोगों को चेक करना होगा। ठीक है, और एक चीज़ आपको सलाह दूंगा कि जो भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर पड़ेगा ना, वो एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले आप एक बार देख के भी ज़रूर आ जाइएगा। ठीक है, कि जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर है वो कहाँ पड़ा है और आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए एग्ज़ाम वाले दिन। ठीक है, तो बस अब कुछ ही चंद समय बाकी है, आपके जो एग्ज़ाम है वो उसका बिगुल बजने वाला है 11 मई को। लगभग 10 दिन और बचे हैं, 10वें दिन अब आपका एग्ज़ाम है सिक्स सेमेस्टर वालों का। ठीक है, और आज आपकी जो है 2 मई हो चुकी है, 10वें दिन आपका एग्ज़ाम है, यानी कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो भी कल या परसों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। लास्ट जो डेट लगाई जा रही है वो है 4 मई, इससे ज़्यादा जो लेट है वो आपको नहीं देखने को मिलेगा एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड के लिए। ठीक है, उसमें आपको आपका सेंटर मिल जाएगा, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे एग्ज़ाम में, आपको क्या क्या फॉलो करना है क्या क्या अनफॉलो करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको जो अपडेट है वो यूज़फुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।